तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मैं बीच वाला रिंग बनाने का भी बताया हूँ आप लोगों को तरीका कि कैसे बनाते हैं। और ये छः सूता हम पटके हैं, आज छः सूता को जैसे हम नापते हैं कैसे कैसे नापेंगे वो भी आप लोगों को वीडियो में दिया हूँ पहले, ठीक है। तो ये जो मेरा ये वीडियो ख़त्म होगा, इस वीडियो का लास्ट में आप लोग को ये दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जैसे बीच वाला सर्कल बनाए हैं उसका और जो ये छः सूता जैसे कैसे आए यहाँ पर इसका, दोनों को वीडियो का लिंक आप लोग को इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का देखिएगा, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। रहा बात ये छः सर्कल वाला डिज़ाइन का, तो ये इस वीडियो में आप लोगों को छः हाफ गुलाई जो है छः सर्कल मतलब बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। और चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, और साथ में फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट जरूर कीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जैसे इसका सर्कल है पूरा का पूरा मैं इसका ड्राइंग बना के दिखा दूँगा, तो आप लोगों को उस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो। चलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और इस वीडियो में आप लोगों को पूरा हम दिखाएंगे, पूरा डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। और इस वीडियो में थोड़ा सा भी हम स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को काफ़ी परेशानी हो जाता है, तो इस वजह से हम वीडियो में थोड़ा सा भी मतलब कट करके नहीं निकालेंगे, शुरू से अंत तक जैसे भी है वैसे ही दिखाएँगे। बेशक वीडियो लंबा हो जाएगा पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए इस डिज़ाइन को बनाते समय। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, बीच में कमेंट कर देते हो, तो फ्रेंड्स आप पहले वीडियो देखिए पूरा, उसके बाद से आप लोगों को समझ आएगा कि हमने क्या बताया है और क्या दिखाया है। तो आप लोग वीडियो पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा। चलिए अब हम वीडियो को मतलब मसाला लगा के बनाने का तैयारी करते हैं, और आप लोग पूरा डिटेल से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इसका जो सेंटर वाला डिज़ाइन और बगल का छः हाफ गुलाई जो है इसका हम मतलब लिंक आप लोगों को इस वीडियो का अंत में आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखाई देगा, वहां से क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए दीवार सूखा है छत पे, इस वक्त थोड़ा पानी मार लेते हैं। तो अगर छत आपका सूखा है बिल्कुल तो पानी मार लीजिए ताकि आप लोगों को डिज़ाइन तैयार करते समय आप लोगों को ज़्यादा समय ना लगे। तो हम देख सकते हैं कि अरुण भाई इसको पानी लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग जब डिज़ाइन बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस वजह से इसको पानी लगा रहे हैं ताकि जो मसाला लगे ना तो फिर अच्छा से मतलब इसका सेटिंग हो, अच्छा से वो आकर छत को पकड़ करे। और सूखा दीवार होता है फिर क्या होता है, पपड़ी पपड़ी तरह मतलब बनने लगता है जब छत में पहले लगता है, पहले जब छत गीला होने लगता है तो मसाला में से पानी लग जाता है, फिर इसके बाद से मटेरियल जो है सूख जाता है तुरंत, इस वजह से हम छत को गीला कर लेते हैं। छत को गीला करने से यही फ़ायदा है कि आपका डिज़ाइन जो है जल्दी तैयार होगा और अच्छा से तैयार होगा, बिल्कुल फिनिशिंग में तैयार होगा। चलिए ये तो आप लोगों को पूरा का पूरा हम बता दिए, और आप वीडियो पूरा देखेंगे आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से बनाएंगे इस डिज़ाइन को। चलिए वीडियो को आप देखते रहिए। ले पकड़ इसे, जाने हमने देना भाई जी, पकड़ भाई जी पकड़। जूम भी होता हो, जूम मत कर, हट जा, जूम कर, ये सर लाइट जब कम है, लाइट पट पट आवाज कर रहा था सर।
फोटो खींचने ना और लाइट बढ़ गई है देखो नीचे बा तो देख लीजिए डिजाइन आप लोगों को पूरा लाइव आप लोगों को सामने तैयार करके दिखाया हमने। बस इस डिजाइन को बनाने के लिए भाई दो बंदे को जरूर पड़ता है क्योंकि डिजाइन काफ़ी बड़ा है थोड़ा मतलब देखने में मतलब बड़ा दिखता है तो बनाने में परेशानी होता है। तो ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है आप देख सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स ये जो बगल वाले दो वीडियो है इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों का बहुत काम आएगा। और मेरा दो चैनल जो नीचे आप लोगों को दिख रहा है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और एक टेक वाला चैनल मेरा जो भोजपुरी में आप लोगों को वीडियो मैं देता हूँ और उसमें भोजपुरी से ही रिलेटेड वीडियो आता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो समाप्त।